आम आदमी की जिंदगी इस कदर इस दिनचर्या के में उलझ चुकी है कि उसको अपने लिए समय नहीं है। इंसान बड़ा परेशान है इस बात को लेकर, कहीं उसके डायबिटीज है, कहीं उसके बीपी है, कहीं उसके थायराइड है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो इस बात को लेकर जूझता रहता है आखिर उसका ये मोटापा तौन कैसे कम की जाए। लेकिन उसके लिए वो सिर्फ बिस्तर तक सोचता है, बिस्तर से उठता नहीं है, और खाने में उसको चाहिए पिज्जा बर्गर। आज हम इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करेंगे। पत्रिका.com आपके लिए लेके आए, आपकी सेहत के लिए लेके आए एक बहुत सारी योग की सीरीज। तो इसके लिए आप कमर किस सीधा रखते हुए, पांव को सीधा करते हुए जमीन पे बैठते हैं और अपने राइट लेग को बेंड करेंगे पहले हम नीचे की तरफ, नीचे यस, और लेफ्ट को उसके ऊपर की तरफ बेंड करेंगे और घुटने के पास अपने पंजे को रख लेंगे। बैठना आपको दोनों बटक्स की बोन्स पर है, कमर इस दौरान बिल्कुल सीधी रहेगी। और अब आप अपना राइट हैंड ऊपर उठाएंगे, धीरे से कर अपने राइट हैंड को ऊपर उठाते हुए घुटने के ऊपर से लाते हुए इस तरह से अपने पाँव को यूँ पंजे से पकड़ लेंगे। ये अर्ध मत्स्यासन की हाफ पोजिशन है। अब आपके कमर का रोल शुरू होता है, धीरे धीरे कमर को आप पीछे वाले हाथ की तरफ घुमाएंगे इस तरह से, और आपकी गर्दन भी जितना हो सके इस शोल्डर के लेवल पर रहेगी। इसमें आपको शोल्डर को, गर्दन को और कमर को, तीनों पार्ट को पीछे वाले डायरेक्शन में घुमाना है। इस तरह से आप धीरे धीरे अपने गर्दन, कमर और कंधे को टर्न करेंगे, तो इससे आपकी जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड है उसका जो सीक्रेशन है, इंसुलिन हार्मोन है, वो प्रॉपरली सीक्रेट होता है, इसीलिए ये मधुमेह नाशक आसन भी कहलाता है। अब हम सबसे पहले धीरे धीरे गर्दन को सामने की तरफ लाएंगे, आसन खोलने का समय आ चुका है। अब उसके पश्चात जो आगे वाला हाथ है उसे उठाएंगे ऊपर, और पीछे वाले हाथ को भी हम नॉर्मल जमीन पर रख लेंगे। अब दोनों पाँव को सीधा करके बैठ जाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा अर्ध मत्स्येन्द्रासन, जो कि आपकी बैली पार्ट को रिड्यूस करता है, प्लस आपका जो इंसुलिन का जो सिक्रेशन होता है उसे भी प्रॉपरली सिक्रेट करने में मदद करता है। थैंक यू।